तो यहाँ से सारा सीट अंदर जाता है, अंदर जाता है, अंदर वो ढक्कन खोले तो कन्वेयर कन्वेयर क्यों कन्वेयर से ऊपर से वो डाइजेस्टर अंदर जाता है केजेस के लिए। तो ऑक्सीजन में भी इतना आता ही रहता है? हाँ सर, ऑक्सीजन में जी कितना है। पूरे अंदर चला जाता है ये पानी, पूरी ये रेमेंट है अंदर चले जाके पूरे चारों में अंदर चले, ये पूरा खुल गया। ये पूछे जो फ्रूट है ना वो फ्रूट इसमें कन्वे से आके ये केज जो है ना उसमें आ जाएगा। ओ, वो जो खड़ा है वो झुक जाता है ऐसे, ये चारों अंदर चले जाएगा, इसके अंदर ही अंदर कुक हो जाता है, अंदर अंदर कुक हो जाता है। फिर इसका जो झाड़ झंकाड़ है वो अलग हो जाएगा, क्या हो तो इधर कन्वेयर रखा है पूरा, ये कुक होने के बाद तो कन्वेयर से एक स्किपर बोल के रहता है, स्किपर में क्या करता है ये फ्रूट का कलर चलता है, एम्प्टी बंचेस अलग चलता है। हाँ, वो एम्प्टी बंचेस में उसमें ऑयल भी रहता है, वो अलग से वो प्रेस करते हैं, जो फ्रूट है ये ऊपर वाला वो भी एक डाइजेस्टर बोल के प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद पेस्ट हो जाएगा। और पिन टू स्क्रूज स्क्रूज है, इसमें से नट अलग हो जाएगा, ऊपर का जो विश्वकॉर्प है वो उससे सी पी ओ आ जाएगा नीचे, और फाइबर अलग चले जाएगा। oh. वो नट दूसरा जगह पे क्रैक होके नट अलग हो जाएगा, कर्नल अलग हो जाएगा, कर्नल से अगर आप क्रश करें तो ऑयल अलग हो जाएगा, केक अलग हो जाएगा। कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है। तो इसमें कितना चला जाता है अंदर? दो चार चार स्वामी जी, चार एंड अप टू एंड अप टू एंड अप टू एंड अप 45 टन इसे कंटिन्यूस प्रोसेस, ये अंदर चले जाएगा, इसका जो उधर चले जाएगा, बाय द टाइम ये प्रोसेस दैट ये रेडी हो जाएगा। फिर ये वापस किधर से आएगा? उधर से, उधर से रेगुलेटर नीचे से, अभी ये फिलअप होने का बाद आफ्टर डिलीवरिंग दैट वो इधर ऐसे आ जाएगा, इधर फिलअप करके वो ट्रांसफर कर पुनः वापस एक सर्किल जैसा। ये आगे कहाँ से आता है वापस? ये ट्रांसफर कर दे स्वामी जी, जो है ना इन बिटवीन ये जो है ये उधर तक जाएगा, ये केज इधर जाके ऐसे वापस आएगा। अच्छा, वो फिर वो इधर से वो ऐसे फैल जाता है? हाँ, इधर से जाके वापस इधर से आ जाएगा स्वामी जी। हाँ हाँ, रैंप से इधर आके ये बड़ा बंच अभी ऐसे कर दे। बाकी जो इसका फाइबर बच जाता है उसका क्या करते हैं? फाइबर पूरा हम बॉयलर में यूज करते हैं, नट भी बॉयलर एंड ये वाला शेडेड फाइबर भी बॉयलर यूज करते हैं, बॉयलर में, बॉयलर में। और कुछ भी वेस्ट नहीं स्वामी जी, पूरा यूज है। क्या है वर्जिन पाम ऑयल बोलते हैं, आप बोले ना स्वामी जी, तो हाई प्राइस इन मलेशिया 600-700 स्मॉल बॉटल, तो इसको ड्रिंक लाइक विटामिन, इसको वर्जिन पाम ऑयल करके भी अपन लॉन्च करना है। जो बोलते हैं कि भाई जो है ये पाम ऑयल जो है हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो क्या कारण बोलते हैं? बेसिकली क्या बोलते स्वामी जी, पहले ये जो पाम ऑयल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द डिपोज गवर्नमेंट एजेंसीज, वो माइंड सेट ऐसे हो गए ये लो पीपल का पुअर पीपल का ऑयल, दैट इज गिवन अ बैड मैसेज, अदरवाइज इट हैज गॉट लॉट ऑफ गुड प्रॉपर्टीज। जो पाम ऑयल में मतलब एज ए प्रॉपर्टी इसका इंग्रेडिएंट्स, इनका एक्टिव कंपोनेंट्स कोई कम नहीं स्वामी जी, और सेल्फ लाइफ का जो स्नैक्स बनाते हैं इसमें सेल्फ लाइफ मच मच बेटर एनी अदर ऑयल्स, इवन ग्राउंडनट सीजम इसमें आप फ्राई करो तो चिप्स और भजिया उसका जो कॉटन सीड है उसका थोड़ा सा अच्छा रहता है। नो नो स्वामी जी, ये पूरा सेल्फ लाइफ यही चीज, इसका ज्यादा अच्छा, इसका ज्यादा, दिस इज द बेस्ट ड्राइंग ऑयल, एडिबल है ना? या देखो इट्स नॉट बैड, टेस्ट अच्छा है। सब कंटेनर अभी अंदर चला गया है, चारों का चार कंटेनर, इसके अंदर 2 आवर्स इसके अंदर उसको स्टीम देगा, स्टीम देने के बाद में उसका ऑयल निकल जाएगा और उसके बाद में आगे जाता है, उसका बंच अलग हो जाएगा, फाइबर अलग हो जाएगा, फ्रूट्स अलग हो जाएगा।